खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा सेब का मुरब्बा, होममेड। घर का बनेगा सेब का मुरब्बा, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करना है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन उसे करना है प्रेस ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी की जाने। बनाने के लिए मैंने सिल की पतीली और मैं तकरीबन 3 गिलास पानी के शामिल करूंगी और इसे बॉयल होने तक पकाऊंगी कि अच्छी तरह से इसको ज़रा एक बॉयल हो जाए ये पानी। चलें जी, मैंने तकरीबन 3 गिलास और तकरीबन आधा गिलास और पानी डाला। इतना पानी डाला है कि जो सेब है सेब के साइज़ के हिसाब से पानी में डूब जाए। अब हम इसे बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। चलें जी, पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धुले हुए थे मैंने सेब है, ये 1/2 kg सेब है और उसी टाइम आपने छीलने हैं जब पानी आप रखेंगे उसी टाइम आपने इसे छीलने हैं। अब मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करूंगी सेब को। ये देखें डूब गए। चलिए जी, 5 से 7 मिनट तक बॉईल करूंगी मैं। सेब बॉईल हो चुके हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट। अब मैं सेब को निकाल लूँगी, ठीक है, सारे सेब निकालूंगी और ये जो पानी है इसे हाफ कर लूँगी जी। अब मैंने 2 कप पानी ले लिया है, ये वही सेब का पानी है जिसमें मैंने बॉयल किया था। 1/2 किलो मैं चीनी शामिल कर रही हूँ, चीनी का हम बनाएंगे सबसे पहले शीरा। चलिए जी, ये देख सकते हैं चीनी पक चुकी है और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 4 अदद इलायची लौंगे शामिल कर रही हूँ, 4 अदद इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ, साथ ही थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ। बड़ा अच्छा रंग आता है, चाहे आप इसे शामिल करें या ना करें ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये शामिल हो चुका है। अब साथ साथ हम इसमें एक एक करके सेब डालती जाऊँगी ताकि ये जो चीनी का शीरा है इसे एब्जॉर्ब कर ले और हम इसे पकाएँगे जब तक शीरा गाढ़ा नहीं हो जाता। चलें जी, अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकने देंगे। चलिए जी, ये देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, अच्छी तरह से शीरा भी एब्जॉर्ब हो चुका है। शीरे को आपने देख सकते हैं, ये देखें थोड़ा सा ठहर कर जब ये ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ लेमन जूस का, ये इसे प्रिजर्व भी करता है। और अब हम इसे करेंगे डिश आउट, ज़रा हल्का सा हिला लें और हम इसे डिश आउट करते हैं। चलिए जी, हम डिश आउट कर रहे हैं सेब को, सेब के मुरब्बे को। बहुत ही हेल्दी है सेब का मुरब्बा। दिल की धड़कन जिनकी तेज़ होती है वो ज़रूर इस मुरब्बे को, घर के बने हुए मुरब्बे को ज़रूर ट्राई करें। मैंने ज़बरदस्त सा 1 इलायची आ गई, अभी इसे हम निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, साथ ही शामिल कर देते हैं सारे शीरे को। जो सेब है, जो भी मुरब्बा बनाए हैं आपके, जो है जो भी आप मुरब्बा बनाए उसके जो उसको पूरी शीरे में डूबा होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, अगर शीरा पतला हो जाए तो दोबारा से आप इसे गर्म करके इसे गाढ़ा कर सकते हैं। और अब साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से बादाम। चलिए जी, थोड़े से हम बादाम शामिल करेंगे, अच्छे लगते हैं इन्हीं चीज़ों के साथ खाए जाते हैं, आपकी मर्ज़ी है शामिल कीजिए, बड़े अच्छे लगते हैं बल्कि। चलिए जी, सेब का मुरब्बा हो चुका है रेडी और मैंने थोड़े से चांदी के वर्क लगा दिए हैं। जब मुरब्बा हो शाही और चांदी के वर्क हों तो क्या ही बात है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। प्लीज़ घर में सेब के मुरब्बे को तैयार कीजिए, ये बड़ा ही हेल्दी है। बाज़ार के प्रिजर्वेटिव होते हैं मुरब्बे में और जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। सेब बहुत ज़्यादा मौसम में इन है, तो प्लीज़ घर में आप मुरब्बा तैयार कीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।